नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पंजाब कांग्रेस की सियासत से। पंजाब कांग्रेस में जो सियासी घमासान चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अचानक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना और नवजोत सिंह सिद्धू को रूठते हुए उनको मनाना, ये तमाम तरह की चीजें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अचानक देखने को क्या मिल रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू को काफी हद तक मनाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले, और उनका इस्तीफा अभी तक ना मंजूर किया गया, यानी कि स्वीकार नहीं किया गया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और आखिरकार वजह क्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर राहुल और प्रियंका गांधी इतना भरोसा कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की अहमियत कितनी है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की जो अहमियत है वो बताता है कि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत बड़ा चेहरा है। नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता पूरे पंजाब में दिखती नजर आ रही है। पंजाब में उनकी लोकप्रियता है, पंजाब में उनकी लोकप्रियता के चलते ही कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसीलिए ये काम किया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका अब कुछ समय में आगे आ सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को मना सकते हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दांव खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू से बात की थी। नवजोत सिंह सिद्धू से बात करने का मतलब ही यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा चेहरा कांग्रेस को नहीं मिल सकता, और नवजोत सिंह सिद्धू का जैसा चेहरा अगर कांग्रेस का साथ छोड़ता है तो आने वाले समय में कांग्रेस को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी करती नजर आ रही है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के जो हालात हैं वो इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि काफी हद तक जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले समय में रैली करते नजर आएंगे, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और चरणजीत सिंह चन्नी के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे। लेकिन काफी हद तक नवजोत सिंह सिद्धू की जो बात थी, नवजोत सिंह सिद्धू जिस वजह से नाराज थे, उनकी नाराजगी की वजह सामने आ चुकी है और वो कुछ पार्टी में बदलाव की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में कुछ बदलाव होने जरूरी है, यानी कि खास तौर पर पंजाब कांग्रेस में। पंजाब कांग्रेस में खास तौर पर जो बदलाव होने हैं, अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा फर्क चुनाव पर दिखता नजर आएगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की बात मान ली गई है, जिस हिसाब से वो फेरबदल करना चाहते हैं, जिस हिसाब से वो बदलाव करना चाहते हैं, ये बदलाव बहुत बेहतर ढंग से होता भी नजर आ रहा है। यानी कि फिलहाल अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि उनका लोहा माना जाता है। उन्होंने ये बता दिया कि पंजाब में उनकी कितनी बड़ी अहमियत है, और पंजाब में उनकी अहमियत ही है जिस वजह से आज पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए। राहुल और प्रियंका के अच्छे दोस्त माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ये साफ तौर पर जानते हैं कि उन्हें कांग्रेस से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा, और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने के लिए जरूर आगे आएंगे। तो यहाँ पर रूठने और मनाने का खेल आज से नहीं, काफी समय से चलता नजर आ रहा है। बीते काफी महीनों से जब कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान चल रहा था, उस वक्त भी स्थिति कुछ ऐसी थी कि बार बार नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जा रहा था, बार बार नवजोत सिंह सिद्धू से ये कहा जा रहा था कि वो अपने गिले शिकवे को दूर करें, बार बार नवजोत सिंह सिद्धू से ये कहा जा रहा था कि वो अपनी नाराजगी को दूर करें। यानी कि बहुत हद तक जो हालात हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसी कड़ी है जो अगर कांग्रेस से अलग हो जाती है तो कांग्रेस पंजाब में खास तौर पर टूटती दिखाई देगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जरूरत कांग्रेस को आने वाले समय के चुनावों में भी दिखती नजर आएगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो पूरी तरह चुनावों से भरा है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। इन चुनाव के समय कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखा रखती नजर आएगी, और नवजोत सिंह सिद्धू जहां भी जाते हैं उनको देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है, काफी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। तो ये तमाम बातें ऐसे हैं जो दिखाई दे रही हैं, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू की फैन फॉलोइंग केवल पंजाब में नहीं है बल्कि पूरे देश में,
और नवजोत सिंह सिद्धू ये बात जानते भी हैं, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू जब भी मनाता है तो वो कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। यहाँ तक कि देखिए उन्होंने फैसला क्या लिया, अपना पद ही छोड़ दिया। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे नवजोत सिंह सिद्धू, और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इस पद को छोड़कर ये साफ तौर पर बता दिया कि आने वाले समय में कितनी मुश्किलों का सामना जो है वो कांग्रेस को करना पड़ेगा। कांग्रेस ये बात जानती है कि नाराज सिद्धू को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि राहुल और प्रियंका इस बात में माहिर है। राहुल प्रियंका ये बात समझते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी को दूर करना अब उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल एक ऐसे कलाकार बन गए हैं जिनको जो कभी भी कुछ भी करते हैं, कोई भी ड्रामा करते हैं, फेमस हो जाते हैं, चर्चाओं में आ जाते हैं, और फिर सरदर्दी कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन बहुत हद तक अगर देखा जाए तो स्थितियां इस और इशारा भी कर रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की जो कवायद है अब वो दोबारा शुरू हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने का काम किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे चेहरे बन चुके हैं जो कांग्रेस को आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो इतना बड़ा फेमस हो, जिसकी लोकप्रियता इतनी हो। इसीलिए लोकप्रियता के लिहाज से अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को रोका जा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू को नाराजगी दूर की जा रही है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि किस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बने रहने दें और उन्हें वापस उनकी जिम्मेदारी सौंप दें। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।